हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक लाइफ हिंदी वर्ल्ड। दोस्तों, यदि आपका भी इंक टैंक प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है और उसमें बार बार आपका इंक प्रॉब्लम कर रहा, उसमें जो एयर पाइप है, इंक पाइप है, उसमें बार बार एयर आ जा रहा, जैसा कि आप हमारे इस प्रिंटर में देख रहे होंगे, इसमें बार बार पाइप, जो इंक वाली पाइप है, इसमें एयर आ जा रहा, इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या है जिसके ज़रिए से आप इसको 99% तक सॉल्व कर दें कि बार बार इसमें एयर ना आए, तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है इंक पाइप में एयर का आ जाना। तो दोस्तों, इसको प्रॉपर सोल्यूशन मैं इस वीडियो में बताऊंगा और वो भी 99% आपका बार बार जो एयर आ रहा है इंक पाइप में, ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले अपने प्रिंटर का फ्रंट पैनल इस तरह ओपन करके, यहाँ पर चार स्क्रू है, ये चारों स्क्रू को मैं ओपन कर लूँगा। यहाँ पर मैं मॉडल लिया हूँ HP का 5810 है, तो इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसका सारा पेंच ओपन कर लेता हूँ। ओपन करके हमें इसको प्रॉपरली खोल लेना है और इंटरनल में जहाँ पर कार्टेज लगा है वहाँ पर हमें काम करना है। मैंने चारों पेज खोल लिया है। अब टॉप का जो पैनल है स्कैनर, साथ साथ जो इसका कंट्रोल पैनल है उसको भी हमें निकालना है। तो ध्यान देने वाली बात है, इसमें कनेक्टिंग रिबन वगैरह हैं तो कुछ भी टूटने ना पाए। तो यहाँ पर हम नीचे से पुश करेंगे, हल्का से इसको पुशअप करके, और अब यहाँ पर दो कनेक्टिंग वायर हैं जो कि रिबन के रूप में हैं, इसको भी हम संभाल के निकाल देंगे। तो हम जो हमारा कार्टेज है इसको सेंटर में ला के हम संभाल के सावधानी पूर्वक हाथ से ही इन दोनों रिबनों को निकाल देते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको टॉप का पैनल हमने उठाया और यहाँ पर नीचे आपको दिखाई देगा, ये देखिए दो रिबन है, एक वाइट है एक ब्लैक है। इसको हम संभाल के निकाल लेते हैं। ये मेन बोर्ड से इसका कनेक्शन गया है आपके स्कैनर और कंट्रोलिंग जो भी इस पर स्विच वगैरह दिए हुए हैं। तो ये हम इसको निकाल कर बाहर कर दिए। अब हमारा सामने पूरा का पूरा कार्ट्रिज और उसकी इंक पाइप वगैरह एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो इंक पाइप है इसमें काफ़ी बबल्स है, एयर है, ये देखिए काफ़ी बबल्स और एयर है। और एयर अक्सर आ जाने का कारण है कि यदि बहुत समय से हम इस कार्ट्रिज को या प्रिंटर को यूज नहीं करते हैं, धीरे धीरे हमारी कार्ट्रिज ड्राई हो जाती है, अंदर एयर आ जाता है और वो एयर जो है पाइपों में आ जाता है। तो प्रॉपर सोल्यूशन करूँगा तो सबसे पहले हमें इसे डिसअसेंबल करना पड़ेगा। जैसे टॉप का मैंने पैनल डिसअसेंबल किया, तो यहाँ पर मैं कार्ट्रिज वाले पोर्शन को भी डिसअसेंबल करता हूँ। तो यहाँ पर मैं कार्ट्रिज के दोनों पिनों को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर ओपन करने के बाद सावधानीपूर्वक आपको करना है, अदरवाइज डैमेज भी हो सकता है, इसलिए केयरफुली करना है, कहीं भी ताकत वगैरह एक्स्ट्रा ताकत नहीं लगाना है। तो दोस्तों, इस तरह की उपयोगी वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ। तो हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन है हमें कमेंट भी अवश्य करिए। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने पेज सारा खोल लिया। अब यहाँ से हमने इनका नाप टैंक का बंद कर दिया है। अब एक बार पुश करके ऊपर का जो इसका पिन का कनेक्टर है, नोजल्स वगैरह हैं, इस वाले पोर्शन को हम अलग कर लिए। अलग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक साइड में रख देंगे और दोनों कार्ट्रिज को सावधानी पूर्वक निकाल लेंगे, पुश करके जैसा निकाला जाता है। तो कलर्ड और ब्लैक वाले को, दोनों को हम निकाल लेते हैं। तो ये हमने कलर्ड को निकाल लिया, सेम इसी तरह हम ब्लैक वाले कार्ट्रिज को भी निकाल लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में एक सक्शन टूल बनाया था, उस सक्शन टूल का मैं यहाँ पर यूज करके प्रॉपर इसका सलूशन दूंगा कि इसमें प्रॉपर अब प्रिंटिंग आने लगेगा। तो देखिए, यहाँ पर हमारे सामने कलर्ड कार्ट्रिज है और यहाँ पर जो प्रिंट कार्ट्रिज का हेड होता है जिससे वो प्रिंटिंग करता है, यहाँ पर आप देखिए एक कार्ट्रिज हमारा सूख जाता है यूज ना होने की वजह से। तो जिसकी वजह से इंक हमारा प्रॉपर तरीके से जो पाइप के ज़रिए से आता है वो हेड तक नहीं पहुंच पाता, कार्ट्रिज के हेड तक। तो हम सक्शन टूल का यूज करेंगे। सक्शन टूल के लिए हमें एक इरेजर, एक सिरिंज और एक ब्लेड की आवश्यकता पड़ेगी। पिछली वीडियो में मैंने इसके डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है,
और यूज करके भी दिखाया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ समराइज ढंग से एक बार दिखा देता हूँ। तो रबड़ आपको इरेजर ले लेना है, स्टेशनरी की शॉप से मिल जाएगा। इस पर एक इम्प्रेशन लेना है अपने किसी भी कार्ट्रिज का। तो यहाँ पर चूंकि दोनों कार्ट्रिज का हेड जो है अलग साइज का है, तो हमें दो इस तरह का सक्शन टूल बनाना पड़ेगा। तो एक का हमने इम्प्रेशन ले लिया। अब इस इम्प्रेशन में जो रेक्टेंगल शेप आया है इसके कार्ट्रिज का हेड का, इसको हम ब्लेड की मदद से खुरच कर एक रेक्टेंगल शेप का यहाँ पर गड्ढा बना लेंगे, जिसके ज़रिए से यहाँ एक वैक्यूम क्रिएट हो। तो इस तरह का आपको गड्ढा बना लेना है। यहाँ पर डेप्थ आपको क्रिएट करना है रेक्टेंगल शेप का। ब्लेड से हमने कटिंग करके संभाल किया, कहीं और कट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज लीकेज हो सकता है जब हम इस सिरिंज की मदद से इसमें शक करेंगे। तो अब देखिए सेम हमारे कार्ट्रिज के हेड का साइज का एक हमारा सक्शन रेडी हुआ है। और सेम अब इसमें हम एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से पतला सा सुराख कर देते हैं, होल कर देते हैं, जिसमें हमारा सिरिंज आसानी से लग सके। तो यहाँ पर हम सुराख कर लिए, जो कि सिरिंज देखिए आसानी से लग जा रहा है। और ढीला इसलिए इसको नहीं रख रहे हैं, अदरवाइज एयर लीकेज हो सकता है, तो हमारा ये टूल काम नहीं करेगा। अब ये सक्शन टूल हमने दो यहाँ पर रेडी कर लिया है, एक छोटा एक बड़ा। अब यहाँ पर एक बड़ा साइज है ब्लैक एंड ब्लैक के लिए, और एक छोटा हमने बनाया है कलर के लिए। तो अब यहाँ पर गौर से आप देखिए हमें क्या करना है, फॉलो करिए प्रॉपरली, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो यहाँ पर कलर्ड वाले को जो इंक का नोज़ल आया हुआ है पाइप के ज़रिए से, इस पर हमें कलर्ड कार्ट्रिज को लगा लेना है, जैसा कि वो अब प्रॉपर लगा रहता है पूरी तरीके से असेंबल कंडीशन में जैसे रहता है। हमें यहाँ टेम्प्रेरी इसको लगा लेना है, ये हमने यहाँ पर लगा दिया। कोशिश करना है हमारा जिस पोजीशन में कार्ट्रिज है इसी पोजीशन में बना रहे, मूव ना करे, कहीं से भी एयर आने का चांस ना रहे। अब हम अपना जो सक्शन टूल बनाए हैं, यहाँ पर हम इंक की नाप को ऑन कर देंगे। अब जो सक्शन टूल बना हुआ है उस टूल को यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सारी चीज़ें सही हैं, हमने इसको संभाल के इस पर लगा दिया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पाइप में एयर आया है, बबल्स है, ये बबल्स हमारे रिमूव हो गए। तो ये सक्शन टूल को हम यहाँ पर लगाते हैं। तो ये देखिए एक बड़ा हमने बनाया है सक्शन टूल, एक हमने छोटा बनाया हुआ है। तो सक्शन टूल को यहाँ पर लगा कर और संभाल कर हम इसको सिरिंज को खींचेंगे, जिसके ज़रिए से वैक्यूम क्रिएट होगा। तो ये देखिए ये ब्लैक वाला है और वो कलर्ड था। तो यहाँ पर हम ब्लैक पे भी इसी तरह सेम प्रोसेस करेंगे और कलर्ड पर भी। तो सबसे पहले हम कलर्ड पर कर लेते हैं। तो ये देखिए हम छोटा वाला यूज करेंगे कलर्ड पर, तो ये बड़ा वाला हम यूज करेंगे ब्लैक वाले कार्ट्रिज पर। तो ये हम छोटा वाला कार्ट्रिज पर लगाए कलर्ड वाले पर, और हमें संभाल के यूज करना है। ज़रूरत हो तो किसी साथी की, किसी फ्रेंड्स की आप मदद ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको ऊपर से दबाव बनाए रखना है कि कहीं से भी एयर लीकेज ना हो, साथ साथ आपका कार्ट्रिज भी नोजल में फंसा रहा है। और जैसे ही हम सिरिंज को थोड़ा सा खींचते हैं, देखिए वैक्यूम क्रिएट हुआ और नोजल की मदद से, सक्शन टूल की मदद से सारा का सारा कार्ट्रिज का एयर शक हो रहा, जो ड्राई हुई धीरे धीरे हमारा एक कार्ट्रिज वेट हो जाएगा, गीला हो जाएगा, और बार बार एयर जो पाइप में आ जा रही है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थोड़ी देर हमें ये करना है, सारा का सारा एयर जो है बबल्स के रूप में हमारे इस इंजेक्शन में, हमारी सिरिंज में इकट्ठा हो जाएगा और पूरी तरीके से फिल हो जाएगा हमारी कार्ट्रिज में कलर्ड इंक। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बबल्स आ रहे हैं, साथ साथ कुछ कलर भी आ रहा। तो ये थोड़ी देर आपको ये प्रक्रिया करनी है। इस प्रक्रिया से आपका धीरे से कार्ट्रिज जो है उसका एयर निकल कर रिमूव होकर उस कार्ट्रिज में इंक आ जाएगा और आपका कार्ट्रिज पूरी तरीके से गीला हो जाएगा। सेम यही दोस्तों बहुत केयरफुली करना है, आपका कार्ट्रिज भी निकलने ना पाए, साथ साथ आपका जो शक टूल आपने बनाया हुआ है वो अच्छे से प्रॉपरली से दबा रहे, तभी वैक्यूम क्रिएट करके ये प्रोसेस हो पाएगा। अब सेम यही प्रक्रिया हम जो कलर्ड कार्ट्रिज के लिए किया है, सेम यही प्रक्रिया हम अपने ब्लैक वाले कार्ट्रिज पे भी करेंगे। ये देखिए हमने शक किया, और दोस्तों इस शक करने में जो भी इंक आ रही है आपका वेस्ट जाएगा, या इसको आप ब्लैक कार्ट्रिज में यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप फेंक दीजिए, कोई काम का ये कलर नहीं, क्योंकि इसमें मिक्स कलर हो गया है आपका। तो यहाँ पर हम ब्लैक को भी शक कर लिया और प्रॉपर हमारा एयर रिमूव हो गया, ड्राई जो हमारा कार्ट्रिज था वो एकदम फिक्स हो गया है, अब वो अंदर से गीला हो चुका है और बार बार जो एयर आने का
पाइप में बबल्स एयर्स आ जाते थे, वो प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। अब हम नाब को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम अपने कार्ट्रिज को यहाँ से निकाल के पूरी तरीके से अपने इस प्रिंटर को असेंबल कर देंगे। कार्ट्रिज को हमें सावधानीपूर्वक रखना है। अब इसे हम पुनः सारा का सारा जैसे डिसअसेंबल हमने किया था, सेम अब असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस कार्ट्रिज के जो ऊपर नोजल और पाइप का कनेक्टर था, इसको हम इस पे असेंबल करके और सारी चीज़ें पुनः वैसे की वैसी लगा लेते हैं। तो कार्ट्रिज को यहाँ पर हम लगा देते हैं, दोनों कार्ट्रिज को भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर कलर्ड वाला हम पुश करके लगा दिए और साथ साथ ब्लैक वाला है, ब्लैक भी पुश करके लगा दे रहे हैं। और सारा का सारा हम असेंबलिंग का प्रोसेस करके और फिर आपको यहाँ पर हम चेक करा देते हैं कि हमारा प्रिंटर का जो एयर आने का प्रॉब्लम है और कलर मिसिंग जिसकी वजह से हो रहा है, पाइप में एयर आने की वजह से हमारा इंक प्रॉपर कार्ट्रिज में जा नहीं पाता, जिसकी वजह से बार बार हमारा कलर मिस होता है, प्रिंटिंग में कलर जो है गायब रहता है। तो यहाँ पर अब सारा हम असेंबल कर देते हैं। प्रॉपर असेंबल करने के बाद यहाँ पर इसका दोनों पेंच भी हम टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हम पेंच वगैरह टाइट कर लिए। अब पेंच इसका जैसा था सावधानी पूर्वक आपको करना है दोस्तों, ताकत नहीं लगानी है। और इसका जो मैचिंग का स्क्रू ड्राइवर है उसको उसी के ज़रिए से आपको काम लेना है। अब यहाँ पर टॉप पैनल का हमें दोनों वायर जो स्ट्रिप वायर है इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद हम इसको जो टॉप का पैनल है, स्कैनर प्लस कंट्रोल पिन स्विच वगैरह इसमें है, इसको लगाने के बाद पेंच वगैरह इसका टाइट करके और पुनः हम प्रिंटर को ऑन करते हैं। तो यहाँ पर पेंच हम टाइट कर देते हैं, प्रॉपर हमारा असेंबल हो जा रहा। असेंबल होने के बाद सामने का सारा पैनल बंद करके हम एक प्रिंट आउट ले लेते हैं। तो दोस्तों ये मेथड बहुत ही अजमाया हुआ है। इस मेथड के ज़रिए से आप जो है बहुत ही अच्छे से अपने कार्ट्रिज की बार बार जो उसमें एयर पाइप में एयर आ जा रहा है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने पेज लगाया हुआ है और एक यहाँ पर इसका प्रिंट आउट लेते हैं और बहुत ही अच्छा प्रिंट आउट आपको देगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर प्रिंट आउट आ रहा है, डायग्नोसिस का हमने यहाँ प्रिंट आउट लिया और तीनों कलर काफ़ी हद तक जहाँ आपका एकदम प्रिंट आउट आ ही नहीं रहा था, ड्राई हो गया था, वहाँ पर ये प्रिंट आउट शुरू हो गया। और इसको आप 5-10 पेज जहाँ प्रिंट आउट आपने किया सारा का सारा कलर प्रॉपर आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी आपके लिए उपयोगी रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, हमें कमेंट अवश्य करिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दोस्तों इसी तरह की वीडियो के साथ पुनः मैं आऊँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।